जय हिंद दोस्तों, मैं मयूर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है डिस्टेंस जर्नी। और आज हम आए हैं धरती के स्वर्ग पे, मतलब बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए हम आए। तो ये ट्रैक करने में क्या डिफ़िकल्टी आएंगी, ये ट्रैक कितने किलोमीटर का है, होटल की क्या व्यवस्था है, खाना कैसे है, रास्ते में किन चीज़ों की ज़रूरत है और कि क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। इसके लिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलो फिर चलते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको दिल्ली से हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार से आपको केदारनाथ जाने के लिए बहुत ही आसानी से बस मिल जाएगी। केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पास रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश है। आप यहां तक ट्रेन की मदद से बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। यहां पहुंचने के बाद आप टैक्सी या बस की मदद से केदारनाथ के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा केदारनाथ के सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। यहां से केदारनाथ लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से आपको केदारनाथ के लिए टैक्सी मिल जाएगी। श्री केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। यह हिमालय में स्थित चार धामों में से एक है। केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढकी गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला के बीच स्थित है और हर साल यहां हजारों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की भीड़ श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने आती है। केदारनाथ मंदिर की चोटी के पश्चिम दिशा में मंदाकिनी नदी इस मंदिर के पास से होके बहती है और यह मंदिर समुद्र तल से 3,580 मीटर की अद्भुत ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा केदारनाथ ट्रैक अद्भुत रूप से सुंदर और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की हवाओं में आपको भगवान भोलेनाथ की एक अलग ही सुखद लहर का अनुभव होगा जिसको शब्दों में बताना असंभव है। केदारनाथ ट्रैक करते समय आपको यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव होगा जिसके लिए हर साल पर्यटक यहाँ आते हैं। श्री केदारनाथ जी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए हमें 4 दिनों की आवश्यकता होगी। आपको केदारनाथ की यात्रा शुरू करने के लिए हरिद्वार पहुँचना होगा। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी 240 किलोमीटर है। हरिद्वार से केदारनाथ के बीच 3 जगह आती है जहां आप रुक सकते हो, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड। यह तीनों जगह 20 से 30 किलोमीटर के आसपास है। आपको यहां पहुंचने के बाद गौरीकुंड में रुकना होगा और कोशिश करें कि होटल में बुकिंग पहले से ही करा ले क्योंकि गौरीकुंड केदारनाथ के सबसे पास पड़ता है और यहां से आपको आपकी केदारनाथ की यात्रा शुरू करने में आसानी होगी। हरिद्वार से गौरीकुंड पहुंचने के बाद होटल लें और आराम करें। अगर आप बस से या अपनी कार से केदारनाथ जाओगे तो आपकी बस या कार केवल सोनप्रयाग तक ही जा सकती है। सोनप्रयाग से आगे जाने की अनुमति किसी भी गाड़ी को नहीं है। सोनप्रयाग में आपको पार्किंग मिल जाएगी और पार्किंग काफ़ी बड़ी और अच्छी तरह से बनाई गई है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए वहां की लोकल गाड़ी चलती है। आपको उसमें बैठकर गौरीकुंड तक पहुंचना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 3 से 4 किलोमीटर की है।
दूसरे दिन हम गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर के लिए यात्रा शुरू करेंगे और कोशिश करें कि आप केदारनाथ की यात्रा सुबह जल्दी शुरू कर दें। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में आपको 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है। यह आपके फिटनेस लेवल पे निर्भर करता है। केदारनाथ मंदिर तक की चढ़ाई 16 किलोमीटर की है। केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई गौरीकुंड से शुरू होती है। इस यात्रा में आपको समय समय पे चाय नाश्ता मिल जाएगा। आप आज प्रकृति के शानदार नज़ारों के साथ गर्मा गर्म चाय का मज़ा उठाएं और श्री केदारनाथ जी के दर्शन करें और आज की रात केदारनाथ जी के यहाँ ही रुके। आपको यहाँ रुकने के लिए GMVN के टेंट मिल जाएंगे। आप यहाँ रुक सकते हो। इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करानी पड़ती है। इस टेंट का शुल्क 400 से 500 रुपये तक का हो सकता है। आप यहाँ रात रुके और यहाँ के वातावरण का मज़ा उठाएं। तीसरे दिन आप केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए यात्रा शुरू करेंगे। नीचे उतरने के बाद आप गौरीकुंड में ही रुके, क्योंकि शाम होने के बाद किसी को भी गाड़ी या बस को यहाँ से पहाड़ों में चलाने की अनुमति नहीं है। इसलिए आपको नीचे उतरकर एक रात रुकना पड़ेगा। इसीलिए नीचे उतरते समय आराम से उतरे और प्रकृति की सुंदरता को जी भरकर निहारें, क्योंकि ऐसे शानदार नज़ारे रोज़ देखने को नहीं मिलेंगे। केदारनाथ जी की यात्रा आप पालकी या पिट्ठू में बैठकर पूरी कर सकते हो। इसी के साथ यह यात्रा आप घोड़े की सवारी करके भी पूरी कर सकते हो। इन सब का शुल्क पता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ मंदिर पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले फाटा पहुंचना होगा। यहां से आपको केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन करा सकते हो। अगर आप हेलीकॉप्टर से दर्शन करके वापस हेलीकॉप्टर से ही आना चाहते हो तो इसमें आपको 7,500 रुपये का खर्चा आ सकता है। और अगर आप केवल हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाते हो एक तरफ, तो उसमें आपको 3,500 रुपये का खर्चा आ सकता है। केदारनाथ में आपको गर्मियों के समय भी ठंड का अनुभव होता है। सर्दियों के समय यहाँ का तापमान अत्यंत कठिन और कठोर हो जाता है। गर्मियों का मौसम सभी दर्शनीय स्थलों को देखने और मंदिर जाने और आसपास के आकर्षण का अनुभव करने के लिए एक सही समय है। गर्मियों में औसत तापमान 17 डिग्री के आसपास रहता है। केदारनाथ की यात्रा अप्रैल से मई के बीच शुरू होती है। अगर बर्फबारी कम होती है तो यह यात्रा अप्रैल तक शुरू हो जाती है, और बर्फबारी ज़्यादा हुई तो यह यात्रा मई तक शुरू कर दी जाती है। केदारनाथ के दर्शन अक्टूबर से नवंबर के बीच ज़्यादा बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ के दर्शन साल में 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। केदारनाथ की यात्रा करने में आपको 10 से 12 हज़ार तक का खर्चा आ सकता है। केदारनाथ ट्रैक करते समय आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। एक, आप अपने साथ एक रेन कवर ज़रूर रखें, क्योंकि केदारनाथ का मौसम कभी भी
बदल जाता है और बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए रेन कवर रखना ना भूलें। दूसरा, यह ट्रैक करते समय अच्छे और आरामदायक जूते पहनें, क्योंकि यह ट्रैक बहुत लंबा है, इसीलिए आरामदायक जूतों की बहुत ज़रूरत है। तीसरी और आखिरी बात कि आप साथ कम से कम सामान रखें, क्योंकि ज़्यादा सामान साथ होगा तो आप जल्दी थक जाओगे। चौथे दिन आप वापिस गौरीकुंड से हरिद्वार के लिए यात्रा शुरू करेंगे। आज आप अपनी खूबसूरत यात्रा पूरी करके अपने घर के लिए निकल सकते हो। तो यहीं पे हम अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोले बाबा।